थपकी थपकी प्यार की। दुर्गा चालीसा की ये दूसरी किताब दादी माँ को दे देती हूँ, वरना वो किसी को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में भी भेज सकती है। दादी माँ, आपकी दुर्गा चालीसा। हाँ बेटा, सुन, थपकी कहाँ है? वही ढूंढने गई थी ना इसे। एक्चुअली मैंने थपकी को बाहर जाते हुए देखा था दादी माँ, हो सकता है बिहान जी के साथ वो आइसक्रीम लेने गई हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी। जब तक बिहान वापस आएगा और पता चलेगा कि थपकी उसके साथ नहीं है, तब तक तो मेरा काम हो चुका होगा और थपकी के हाथ का काम तमाम। बाकी हमारा केक भी रेडी है, आ जाइए सब। किरण, ये नाइफ मुझे दे दो। ये ऑसम वाला चॉकलेट केक ना मैं कट करूंगी इस बार भी। हाँ, तुम काहे करोगी? हम काटेंगे हमारी केक। अरे नहीं नहीं, ठीक है, ये केक तो मैं ही कट करूंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं बड़की, हम काटेंगे। देखो हर साल ना केक तुम काटते हो, इस बार तो हम ही काट के रहेंगे। अरे चुप नहीं, खराब करो। नहीं, मैं हूँ तेरी। देखो
तुम काटने वाली हो और ना ही तुम। बड़ी सासू माँ फिर कौन काटेगा? अब बड़ी सासू माँ हर साल केक मैं ही कट करती हूँ ना, तो इस साल ये केक ध्रुव और श्रद्धा काटे। सबसे पहले इसलिए कि श्रद्धा ने इतनी मेहनत से इस प्रतियोगिता को जीता और हमारे पूरे परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया, और दूसरे इसलिए ध्रुव और श्रद्धा का एक दूसरे के साथ ये पहला साल है। पर बड़ी सासू माँ फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज तो बिहान देवर जी और थपकी का भी है ना? हाँ बड़ी सासू माँ उनका भी तो पहला साल है ना। हमने जो कह दिया सो कह दिया। बिहान भाई से बात हुई अभी, बस 5 मिनट में पहुंच रहे। लेकिन तब की बिटिया कहाँ है? वो बिहान के साथ गई है, ये श्रद्धा ने बताया था। ठीक है तो वो दोनों आ जाएं तभी केक कटे। बारह महीने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, बिहान आए नहीं अभी तक। दादी बाहर गाड़ी पार्क कर रहे होंगे, बस आ जाएंगे अभी। आने दो और सबको पता चलने दो कि थपकी बिहान के साथ नहीं स्टोर रूम में है, हाथ कटने से बेहोश पड़ी। ये लीजिए आप सभी की मनपसंद आइसक्रीम आ गई। बिहान थपकी कहाँ है? थपकी हमारे साथ गई थी ना? नहीं बाबूजी हम तो अकेले ही गए थे। थपकी घर में ही होगी। सॉरी बिहान जी पर थपकी मुझे यहाँ नहीं दिखी तो लगा कि बिहान जी के साथ आइसक्रीम लेने गई होगी। मैंने कमरा चेक नहीं किया, मैं कमरा चेक करके आती हूँ, शायद वहाँ हूँ। श्रद्धा बेटा तुम रहने दो, बिहान जाओ देखो थपकी कहाँ है। जी माँ। बिहान देख के जल्दी आओ, तुम दोनों के बिना केक नहीं कटेगा। अरे बाबूजी लेकिन 12 बजे में तो सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है। ठीक है पहले वो थपकी को ले आए फिर। बाबूजी वैसे तो हम कोशिश करेंगे लेकिन अगर हमें देरी हो जाए तो आप लोग केक काट लीजिएगा, हम लोग घर में ही तो हैं। अरे 12 बजे में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, अब बहस में टाइम खराब मत कर, जल्दी जाना। जी दादी। अभी सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं, 10 से काउंटडाउन शुरू करते हैं। ओके सो आर यू रेडी गाइस? एंड द काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8
थपकी 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 पानी मम्मी जी अरे नहीं नहीं पहले ध्रुव को खिलाओ ये पानी तो इसकी तो सांस नहीं चल रही है संजय डॉक्टर को बुलाओ जल्दी जी बाबूजी थपकी 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 नहीं थपकी तुम्हें कुछ ध्यान थपकी के मुंह पे पानी मारो ध्यान जल्दी मुंह पे पानी मारो उसके थपकी 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 उठो उठो थपकी बोलना मेरी बच्ची बाबूजी डॉक्टर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि थपकी का होश में आना बहुत जरूरी है अरे हाँ ठीक है उनको बहुत जल्दी आए बहुत बड़ी भक्त है माता रानी उसे कुछ नहीं होने देगी नमो नमो दुर्गे सुकन्या निरंकार है ज्योति तुम्हारी मंगलम भगवान विष्णु मंगल
थपकी ने आँख खोली। सुना ना डॉक्टर क्या बोल करके गया? अच्छी तरह से आराम करना है और पूरी तरह से अपना ख्याल रखना है। एक बात बताओ थपकी बिटिया, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं भाऊजी, मैं तो चालीसा ढूंढने स्टोर रूम की तरफ गई थी और वहां मुझे चालीसा कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद जब मैं स्टोर रूम से बाहर निकल रही थी तब अचानक से मैंने देखा चालीसा एग्जॉस्ट फैन के ऊपर थी। हाँ भाऊजी, तो बस वो ही निकालने में एग्जॉस्ट फैन के लिए वहां पर चढ़ी और अचानक से मेरा ये दुपट्टा फैन में फंस गया और अब मेरा गला ही घुट गया। पर बेटा, दुर्गा चालीसा तो मुझे श्रद्धा ने पहले ही दे दी थी। क्या? हाँ। शायद मुझे दूसरी दुर्गा चालीसा मिल गई होगी और मैंने वही आपको दे दी होगी। लेकिन स्टोर रूम के चिमनी वाले पंखे में दुर्गा चालीसा की किताब फंसी कैसे? स्टोर रूम में कौन गया? हाँ, क्योंकि सुबह से सब तो मुकाबले में लगे हुए थे और स्टोर रूम तो हमने बंद करवा दिया था। माँ नहीं भाऊजी, जब मैं चालीसा लेने स्टोर रूम में गई थी वो खुला हुआ था। अच्छा, स्टोर रूम खोला किसने? बाऊजी हम बताते। वो स्टोर रूम ना श्रद्धा ने खोला था। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.